बुरहानपुर जिले में इन दिनों अवैध कॉलोनियों का जाल बिछा हुआ है। जगह जगह कृषि भूमि पर एसडीएम डायवर्जन नाम से कॉलोनियां काटी जा रही हैं, जिसकी शिकायतें लगातार जिला प्रशासन को मिल रही थी। इसी के आधार पर गुरुवार को जिला प्रशासन ने ग्राम मोहम्मदपुरा में बन रही अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की। इसके साथ ही कॉलोनी की बाउंड्री वॉल और नाले पर अवैध तरीके से बनी पुलिया को भी प्रशासन के अमले ने ध्वस्त किया। जानकारी के अनुसार ग्राम मोहम्मदपुरा में खसवा नंबर 147/3 पर बगैर डायवर्जन के कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी काट दी गई थी, जिसके चलते प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। नंबर 187/3 पर खड़े हैं, हमारे रिकॉर्ड में ये रिकॉर्डेड कृषि भूमि है और इसका डायवर्जन भी नहीं करवाया गया है, इसका मत प्रयोजन भी चेंज नहीं किया गया है। उसके बावजूद भी खेत मालिक के द्वारा यहाँ पर कॉलोनी काटी जा रही है और अवैध रूप से प्लाटों का क्रय विक्रय करवाया जा रहा है। बाउंड्री अवैध रूप से की गई थी, उसको तोड़ दिया गया है और जो इल्लीगल कट कर रहे हैं प्लॉट मालिक, उनके खिलाफ आज एफआईआर भी दर्ज की जाए, इसलिए तो उन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। नियम विरुद्ध उन्होंने काम किया है और प्लॉट भी परमिशन के बिना अनुमति के इन्होंने ये सब काम किया है, इसलिए उन पर हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं।